हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सही ऑप्शन करेंगे ए नंबर, करें कि जोनाथन डंकन, सर विलियम से मुइर या मदन मोहन मालवी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम्स मुइर ने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण 23 सितंबर 1887 को हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सर विलियम मुइर ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेगी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो ये कब से कब थी, 1963 से 1967 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहने की उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम के। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश के जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी ये, सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये जो है भारत की जो है क्या थी, पहली मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहना कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, करेक्ट, तोता, गरुण, राम चिरैया या सारस। तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। कह रहे उत्तर से या संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त प्रांत। तो 1937 से 1950 तक जो है इसे संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। या जो है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, भी संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश। कब, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार आपका यहां बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, करें उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें कि आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में, तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आगरा में। तो आगरा में जो है यह प्रसिद्ध कैलाश मेला प्रत्येक वर्ष जो है सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह मेला जो है सिकंदरा क्षेत्र में यमुना तट के परिस्थित कैलाश मंदिर पर भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। कहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, करें कि आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, बी नंबर हो जाएगा, शारदा नहर। जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है, या जो है इसकी लंबाई जो है कितनी है, 938 किमी है, और यह जो है किन क्षेत्रों को इससे लाभान्वित होते हैं, किन क्षेत्र, जैसे पीलीभीत हो गया, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है। तो इसे जो है आपके शहर जो हैं
लाभान्वित होते हैं शारदा नहर से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, कहने कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड कहने कि 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, यह जो है 9 नवंबर 2000 में जो है, या जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, जो यह कैसा, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया कैसे बना था, ये 27वां राज्य बना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो बताइए सीवी रमन जो है भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है किस क्षेत्र में पाए थे, बताइए भाई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहें साहित्य में, शांति में, भौतिक शास्त्र में या अर्थशास्त्र में, तो किसमें पाए भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक शास्त्र में। ये जो है किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए जो है इनको जो है भौतिक शास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, बताइए भी। देखिए ये प्रश्न आपको पूछा गया था, तो कह रहे कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, ये यूपी पुलिस में आपके, तो इसमें मिक्स हैं, कुछ प्रश्न आपको यूपी पुलिस पूछे गए हैं और कुछ आपसे अलग से बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्निपथ जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी प्रथम कविता कौन सी थी? तेरा हार। कौन सी भाई? तेरा हार जो है इनकी प्रथम कविता थी, और ये जो है इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, 27 नवंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहां सही हो जाएगा। और इनकी रचनाएं जैसे मधुबाला है, मधुकलश है, एकांत संगीत है, ठीक है, चट्टाने हैं, एक गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए भाई। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो रक्त समूह के कितने हैं? 4 हैं, AB और O जो है, ये 4 रक्त समूह ग्रुप हैं। तो इन्होंने रक्त समूह की खोज किसने की है भाई? कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला है, कह रहे कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए मलक्का जल डमरू मध्य या जो है मलेशिया और सुमात्रा के बीच है, जो मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया और सुमात्रा के बीच है, और सुंडा जल डमरू मध्य ये इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य है, सुंडा जल संधि, और मलिकू कंदू जो है ये जो है जल डमरू मध्य, ये मिनिकाय जिसे भारत कहते हैं तथा मालदीव के मध्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन है भी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चाइना आपका प्रथम स्थान पे, भारत जो है द्वितीय स्थान पे, और तीसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला है, करके निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, बताइए भाई। बहरीन की राजधानी आपको यहां पर बताना है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मनामा जो है बहरीन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? करें सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन,
तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ये पहली, ये कब से कब, 2009 से 2014 तक रही हैं, ठीक है। देखिए सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन कौन है, ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। सुमित्रा महाजन को याद रखिएगा, ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज, ये सुषमा स्वराज कौन है भाई, ये जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी याद रखना इनके बारे में, सुषमा स्वराज जो है ये पहली जो महिला है दिल्ली की, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल को बारे में आप जानते हैं, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, और ये 12वीं राष्ट्रपति थी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था प्रतिभा पाटिल का, ठीक है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने की स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, बताइए भी, कहने की हैदराबाद में, दिल्ली में, मेरठ में या लखनऊ में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, मेरठ में जो है हुआ था, ठीक है। देखिए ये 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह का प्रारंभ जो है मेरठ शहर से हुआ था, ठीक, जो इस विद्रोह का जो भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, और माना जाता है कि ये बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगला है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बिनेगर से नरसिंह राव। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, बिनेगर नरसिंह राव जो है ये जो है प्रारंभिक मसौदे को तैयार किए थे, ठीक है। अगला है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है, कहने के उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या जयपुर में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कहाँ है भी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर में है। कहने की लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है, कहने की स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो कहने कैलाश नाथ काटजू थे, बीके कृष्ण मेनन थे, बलदेव सिंह थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन थे भाई, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, कहने की पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है, तो किसमें होता है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पराग कोष, तो सी नंबर सही हो जाएगा। करें कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए भी, करें कि एनीमोमीटर का, बेवामीटर का, यूडियोमीटर का या इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो द्रवों का घनत्व मापने का जो है आपका पिकनोमीटर है, क्या भाई, पिकनोमीटर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर से क्या मीटर करते हैं, तो एनीमोमीटर से वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है, ठीक है। बेवामीटर जो है मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है। यूडियोमीटर, इसका जो उपयोग रासायनिक प्रक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, यूडियोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पिकनोमीटर। अगला है, कहने उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय कहाँ है भाई, आपका प्रयागराज में, कहाँ है, प्रयागराज में, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कहने की बरसाना होली स्पेस के साथ खेली जाती है, किसके साथ खेली जाती है, कहने की टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ, तो बताइए भाई, बरसाना होली आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न है, कहने की भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है,
कौन सा है? करें अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, परमवीर चक्र जो है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये जो है युद्ध क्षेत्र में उच्च कोटि की शूरवीरता व त्याग के लिए दिया जाता है। यह पदक जो है कांसे का बना होता है जिस पर चारों ओर इंद्र वज्र अंकित होता है। परमवीर चक्र की शुरुआत जो है जनवरी 1950 को भारत के पूर्ण गणतंत्र होने के समय से दिया जाता है। देखिए प्रथम परमवीर चक्र जो है पूछा जाता है किनको मिला है, तो मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा को, सोमनाथ शर्मा को भाई मिला है, ठीक है। तो प्रथम और इनको किस क्षेत्र में, ये मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है परमवीर चक्र जो है पहला दिया गया था, ठीक है। देखिए इनका क्रम होता है जैसे परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, फिर अशोक चक्र है, फिर तीसरा महावीर चक्र होता है, चौथा कीर्ति चक्र होता है, पांचवा वीर चक्र होता है और छठा शौर्य चक्र होता है। तो इसे क्रम में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को या 11 जून को। सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो ये कहाँ है, करें केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है, तो कौन है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मैकमोहन रेखा ये किसके है, भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है, ठीक है। और देखिए देखिए मेडिसन लाइन, मेडिसन रेखा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है। और डूरंड रेखा जो है ये, डूरंड रेखा ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच लगता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, कह रहे पृथ्वीराज चौहान, राय बहादुर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी लक्ष्मी बाई। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह जो है हवा महल का निर्माण कराए थे। ये कब कराए थे, 1799 में। यानी कि ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और स्पेस ने की थी, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने किया था, कहने खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खा या यतीन्द्र नाथ दास। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अशफाकुल्ला खा जो थे ये जो है ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट कल्पना का राम प्रसाद बिस्मिल और इन्होंने मिलकर दोनों ने साथ किए थे, और इनका साथ और दिए थे जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर और सचिंदानंद आरसी केशव चक्रवर्ती, ये कुछ लोग जो है इनकी सहायता किए थे, ठीक है। तो यह जो है घटना जो है 9 अगस्त 1925 को जो है लखनऊ से 16 किमी दूर स्थित जो है ककोरी नामक रेलवे स्टेशन पर किया गया था, ठीक। तो 1925 याद रखिएगा। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। अगला प्रश्न है कहने कि आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, तो ये कौन सी है भाई, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जापान में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोस्पोडी नो को जो है ये दिया था, इनका जो नाम है जॉर
जॉर्जी जॉर्जी गो एक्सपो डीनो डी नो को जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया था? अरे क्या, अहमदाबाद, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बिहार में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन चलाया था बिहार में। ठीक है, तो इसमें 9 फरवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस, सॉरी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है। या जो है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जो है 9 जनवरी 1915 में वापस आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अरे कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, बताइए। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कह रहे हैं 9 नवंबर, 10 दिसंबर, 9 अक्टूबर या 22 अप्रैल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो है 9 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है आपका अंगीकार हुआ था, यह 9 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, कह रहे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? कह रहे कि नीला, काला, बैगनी, लाल। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो जो बताना है कि इसमें कौन सी नदी जो है पश्चिम में नहीं बहती, करें कि नर्मदा है, साबरमती है, लूनी है या कृष्णा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए नहीं वाला बताना है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।